छतरपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टरेट का घेराव करते हुए सुरक्षा में लगाए बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया और भारी पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड को गिराकर अंदर जाने का प्रयास किया। कांग्रेसियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बाटा केनन का उपयोग करते हुए कांग्रेसियों को चितर भितर किया, जिस पर कांग्रेसी और भड़क गए और फिर उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने वाहन से कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित भारी संख्या में कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी। जीतू पटवारी ने बीजेपी की मोहन सरकार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए माफियाओं की सरकार बताया। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छोटू खान, छतरपुर। अरे तो ले तो जान दो छतर छतरपुर में, पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है। और छतरपुर में इसका आंदोलन था, हम ज्ञापन देके कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लट और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ ले आए, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में जनता की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है। आज रेत माफिया क्या होता है छतरपुर की जनता जानती है, खनिज माफिया क्या होता है, शिक्षा माफिया क्या होता है, शराब माफिया क्या होता है, क्या होता है जमीन माफिया और क्या होता है प्रशासनिक माफिया और राजनीतिक माफिया, ये सब मध्य प्रदेश में चलने लग गया है। सर आप लोग अपना मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से इस माफिया राज के खिलाफ लड़ती रहेगी और जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम संयम से विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। मोहन यादव जी को, जिन्होंने कर्ज क्राइम और करप्शन को अपना तीन मंत्री बना लिए हैं, कर्ज क्राइम और करप्शन मोहन यादव के तीन मंत्री हैं, ये रोज कर्ज वाला कर्ज का काम करता है लेने का, करप्शन वाले सब दूर लगे हुए हैं और क्राइम जगह जगह होता है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार से चुना है इन लोगों को, 25 साल से चुना है, आज जितनी भी तकलीफें हैं वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे व्यापम और परीक्षाओं की धांधली की हो, पेपर लीक की हो, चाहे किसानों के कर्ज और उसकी आत्महत्या की हो, चाहे दलितों पर अत्याचार की हो, इसका सबका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी है।